हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीक्रेट रेसिपी कॉर्नर। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पुदीना पनीर। कढ़ाई पुदीना पनीर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक हरी मिर्च, दो तीन कली लहसुन और थोड़ा सा पनीर। और इन सब को मैंने कट कर लिया है। और अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें दो तीन चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब हम कढ़ाई पुदीना पनीर में डालेंगे उसका मेन इंग्रेडिएंट, पुदीने के पत्ते, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और इन्हें अच्छे से चलाते रहेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैगी मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच लेमन जूस। अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। और अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया है और इसमें से पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये पनीर खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीक्रेट रेसिपी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए।